गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 16 चोरी। इसका हम देखें एक प्रकार से इस लेसन के छोटे छोटे रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक एक वाक्य सही विकल्प ये सब हम देखें। तो चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी डैश हो गई है। आंसर लिखेंगे लाचार। कुंदन ने काका के घर से डैश चुराया था अनाज। नंदन के अनुसार डैश का अंत नहीं था बहस। मालती डैश को कोसने लगी, यानी खुद को। एक बार नियत बिगड़ी तो फिर डैश नहीं रुकता। हाथ, मालती ने बिंदु को डैश में खाना खिलाया चौके में। मालती ने बिंदु के साथ डैश व्यवहार किया। स्नेहपूर्ण, व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती वह डैश से प्राप्त करने में नहीं हिचकिचता, यानी एक प्रकार से चोरी। आंसर लिखेंगे चोरी। बिंदु की आंखें डैश आई, डब डब आई। एक एक वाक्य में समाज में कितने प्रकार के लोग हैं? समाज में दो प्रकार के लोग हैं। किसकी आंखें डब डब आई? बिंदु के। नंबर 3, नंदन अपने कमरे में क्या कर रहा था? अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? गेहूं। एक प्रकार से बिंदु कहाँ पड़ा था? नदी वाली कोठरी में। क्या बिगड़ने पर हाथ नहीं रुकता? ये नंबर 6 है नियति। मालती को किसकी चिंता हो रही थी? बिंदु की। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखाई दिया? ये थोड़ा सा काजू और किशमिश। मालती कहाँ बैठी थी? घर के बरामदे में। मालती ने बिंदु को कहाँ देने के लिए कहा? एक प्रकार से पुलिस में। अब यहाँ हम देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल डैश। आंसर लिखेंगे तेजी आ गई। असली बात जानने का यह तरीका है नहीं, यह तरीका नहीं है। यह कौन कहता है? डैश नंदन कहता है। देख लेना एक दिन यही, बिंदु घर में से डैश ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? कुंदन। नंदन पत्नी की बात सुनी तो नंदन ने पत्नी की, उसके चेहरे पर डैश आ गई, यानी यहाँ लिखेंगे प्रसन्नता मुस्कुराहट। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? थोड़ा सा काजू और खारिक। अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों हम देखें पर्यायवाची शब्द, इसके आगे झाड़ू बुहारी खाले रिक्त कूड़ा कचरा दुनिया संसार रोष क्रोध। अपोजिट वर्ड्स यहाँ हम देखें अनायास सायास, बेईमान ईमानदार, नियत बदनियत, असली नकली, सुनी अनसुनी, चाह अनचाह, रुकना चलना, बंद खुला। भाव संज्ञा देखें हम, एक प्रकार साफ सफाई, चलना चलन, घबराना घबराहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, प्रसन्न प्रसन्नता, बूढ़ा बूढ़ापा। कर्तव्यवाचक संज्ञा देखें चोरी चोर, देखना दर्शक, खुशामत खोसा खुशामत कोर, लेख लेखक। विद्यार्थी मित्रों ये विज्ञान के कुछ ग्रामर के पाठ देखे, कुछ संक्षेप प्रश्न देखे, ये आप रोजाना तैयार करेंगे जिससे रोज का काम रोज खत्म हो, कोई परेशानी हो तो जूम मीटिंग में पूछने की कोशिश करें। थैंक यू।